प्रिय विद्यार्थियों, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य हमेशा क्रियाशील रहता है, जिसमें जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह, पोषकता का प्रवाह एवं जैविक तथा पर्यावरणीय नियमन चलता रहता है। यह संपूर्ण क्रिया एक चक्र जैव भू रासायनिक के रूप में संपन्न होती है। इसी ही वास्तुतंत्र या कार्यात्मक स्वरूप कहा जाता है। इस संदर्भ में हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। कार्यात्मक दृष्टिकोण में से वास्तुतंत्र तक के चार वर्ग होते हैं। इस विषय में भी हम लोग बात कर चुके थे। इसमें अजैविक तत्व उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक होता है। विद्यार्थियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे द ट्रॉफिक लेवल्स एंड फूड चेन्स के बारे में, कि पोषण स्तर व आहार श्रृंखला किस प्रकार से काम करती है या क्या होती है। प्रत्येक जीव अपना निर्धारित भोजन ग्रहण करके पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखता है। यदि किसी कारणवश जीवों के भोजन की आदतें बदलती हैं, तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पारिस्थितिकी पर पड़ता है। पृथ्वी पर जितने भी जैविक पदार्थ हैं, उनके भोजन की व्यवस्था का को कई स्तरों से बांटा गया है। इन्हें ही पोषण स्तर कहा जाता है। इन स्तरों में भोजन के साथ साथ ऊर्जा का स्थानांतरण भी प्रथम स्तर से अंतिम स्तर तक होता है। क्या पर चर्चा करी मैंने आपसे कि प्रत्येक जीव अपना निर्धारित भोजन ग्रहण करके पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। एक जीव से और अंतिम जीव तक या अंतिम कड़ी तक ये चीजें पहुंचती हैं। इस विषय में हम लोग आपसे चर्चा कर चुके हैं। परितंत्र में आहार पोषण की कई स्टेप होते हैं, कई पदानुक्रम में संपन्न होता है। इस प्रकार उन स्तरों या बिंदुओं को जिनसे होकर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में गमन या स्थानांतरण होता है, उसे पोषण स्तर कहते हैं। यानी कि एक से दूसरे स्तर पर जो स्थानांतरण होता है या गमन होता है, उसे हम पोषण स्तर कहते हैं। अब पोषण स्तर इन हरे पौधों को सम्मिलित किया जाता है। प्रथम पोषण स्तर प्रथम में, यानी जिसमें जो वनस्पति को आती है, प्रकाश संश्लेषण से अपना ये भोजन प्राप्त करता है तथा ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। कुछ मात्रा में श्वसन क्रिया के द्वारा ऊष्मा पारिस्थितिकी तंत्र में छोड़ता है। इसे अन्य पोषण स्तरों की तुलना में सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। ये जो पोषण स्तर है द ट्रॉफिक लेवल वन, जिसे हम उत्पादक वर्ग में ले सकते हैं, जिसे पर्णहरित स्वपोषित पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही विकसित होता है। ये उत्पादक है हमारे, जो बेस में प्रथम कड़ी पर स्थापित होते हैं और जिससे पूरे जीव तंत्र को एक आधार प्रदान करते हैं। दूसरी बात करते हैं पोषण स्तर दो के बारे में। अब यहां से हमारे उपभोक्ता चालू हो जाते हैं। स्वयं भोजन का निर्माण की क्षमता नहीं होती, क्योंकि ये उत्पादक पर निर्भर होता है। पोषण स्तर एक पर निर्भर शाकाहारी, जिसे हम हर्बिवोरियस कहते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं। गाय, भेड़, बकरी, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, सब इसमें चरने वाले जो जानवर हैं उसमें आते हैं। जो आपका विकास करते हैं, वह कुछ ऊर्जा श्वसन क्रिया द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में गमन कर जाती है। तो ये एक चक्र है, जो जिसको हर्बिवोरियस या पोषण स्तर दो हम लोग कहते हैं। तीसरा है पोषण स्तर, थर्ड स्टेप जो है, जिसको हम मांसाहारी जीव कहते हैं, जो शाकाहारी जीव पर निर्भर रहते हैं। यह स्तर इसी स्तर में आते हैं जितने भी मांसाहारी जीव, शेर, भालू, चीता, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं और द्वितीय उपभोक्ता हमारे ये होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र तथा उत्सर्जन होता है। यह एक द्वितीय, जिसको हम
कार्निवेरियस की स्थिति में रखते हैं। और पोषण स्तर 4, इसमें सर्वहारी आते हैं, जिसमें मानव मनुष्य को जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निचले तीनों पोषण स्तरों का खुद से ऊर्जा प्राप्त करता है, वो शाकाहारी भी होता है, वो मांसाहारी भी होता है, और हमारे प्रथम वनस्पति से भी हम क्या है कि ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो विभिन्न स्तरों में से ऊर्जा का स्थानांतरण होकर और एक तंत्र का निर्माण होता है, जिसे और अंतिम स्थिति में वो पदार्थ वियोजक जो होते हैं वो उसको वापस पुनः मृदा में कन्वर्टेड कर देते हैं। तो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण से उत्पादक विकसित हुआ और उसी से ही पोषण स्तर 1, 2, 3 और 4 होकर और अंतिम स्थिति में हमारे भूमि में ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसी प्रक्रिया के आधार पर हमारे विभिन्न प्रकार की स्थितियां, विभिन्न चक्र विकसित हो, एक चक्र से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। उसी के आधार पर किसी भी पाचतंत्र में पोषण स्तर के आधार पर ही आहार श्रृंखला और आहार जाल विकसित होता है। आहार श्रृंखला के विषय में थोड़ा सा मैं चर्चा आपसे कर लूं कि आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप से, मतलब शब्द को समझना, श्रृंखलाबद्ध मतलब चेन के रूप में स्थानांतरित होते हैं। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल दें, जैसे घास प्रदेश की लें तो घास पर टिड्डा और टिड्डी पर मेंढक, मेंढक पर सांप और बाज एक चेन बन गए। ऐसे ही हिरन घास खाएगा और हिरन को शेर खाएगा, तो ये एक चेन बन गए। ऐसे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर आहार श्रृंखला के द्वारा ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, भोजन का स्थानांतरण होता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है और उसी से ही एक तंत्र पूरा विकसित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पोषण स्तर, आहार श्रृंखला और आहार जाल, ये किसी भी पाचतंत्र में, चाहे वो आपके शाकवर्ती हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो घास प्रदेश हो, या किसी भी अप्रदित खार श्रृंखला हो, जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ आपको एक प्रॉपर सिस्टम मिलेगा, एक प्रॉपर तंत्र मिलेगा जिसके द्वारा यह विकसित और संपादित होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।